मिडल ईस्ट में संकट गहराता जा रहा है। इजराइल हमास में छिड़ी जंग अब पूरे इलाके को कवर कर चुकी है। हिजबुल्ला, हूती और सीरिया के कई चरमपंथी संगठन एक साथ इजराइल पर कहर बनकर टूटे हैं। इनकी वजह से इजराइल पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर लेबनान का हिजबुल्ला समूह है, जो लगातार बमबारी कर संघर्ष को बढ़ाने पर तुला है। हिजबुल्ला की हालिया गतिविधियां युद्ध को भड़काने का काम कर रही हैं। ऐसी आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं कि इजराइल हमास के साथ साथ हिजबुल्ला से भी सीधा युद्ध लड़ सकता है। दरअसल हिजबुल्ला लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी झड़ी लगाई है कि इजराइल के लिए हिजबुल्ला बड़ा सिरदर्द बन गया है। इजराइल की ओर से मिल रही युद्ध की धमकियों को दरकिनार कर हिजबुल्ला लगातार हथियारों को इजराइल की ओर फायर कर रहा है। फिलिस्तीनियों के समर्थन में हिजबुल्ला लड़ाके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर इजराइल को युद्ध भूमि में उतारने के लिए ललकार रहे हैं। ऐसे में हमास से जंग में जूझ रही इजरायली सेना को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि इजरायली सेना कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो गई है। इस बीच लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध ने 6 जुलाई 2024 को कब्जे वाले फिलिस्तीनी बॉर्डर पर बमबारी की। बताया जाता है कि यहां पर इजरायल के मिलिट्री साइट्स और सैनिकों पर धावा बोला गया। इस दौरान बड़े नुकसान की भी काफी खबर सामने आई है। हिजबुल्ला ने घोषणा की कि उसके प्रतिरोध सेनानियों ने बीट हिलेल में आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल कर हवाई हमला किया। इस हमले में IDF की 91वीं ब्रिगेड की 403वीं बटालियन की तोपखाना यूनिट पर भीषण हमला हुआ। बताया गया कि बीते दिन इसी यूनिट ने लेबनानी गांवों और लोगों पर हमला किया था। इससे भड़के हिजबुल्ला ने 24 घंटे के भीतर ही अपने हमले का करारा जवाब लेते हुए दावा किया कि हमले ने उसके टारगेट पर सटीक हमला किया। हिजबुल्ला लड़ाके यही नहीं रुके, बल्कि कब्जे वाले कफर चोबा हिल्स में इजरायली रुई सेट अल आलम साइट पर रॉकेट हथियारों से बमबारी की। इसके अलावा लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने खुलासा किया कि उसके लड़ाकों ने घातक हथियारों से कब्जे वाले कफर चोबा हिल्स में इजरायली अल समाका साइट को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने अपने प्रतिरोध सेनानी मेतम मुस्तफा अल अत्तार हादी पर भी शोक जताया, जो कब्जे वाले अल कुदस के रास्ते में शहीद हो गए थे। लेबनान में न्यूज एजेंसी अल मयादी ने बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने चाट जंक्शन पर बालबिक का हाईवे पर कार को निशाना बनाया। इससे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली तोपखाने की गोलाबारी ने मारून अल रास, अल नाकोर और यारून के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने अपने बयान में साफ किया कि ये सभी ऑपरेशन गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और उनके बहादुर और सम्मानजनक प्रतिरोध के समर्थन में था, और दक्षिणी लेबनानी गांवों, सुरक्षित घरों और नागरिकों पर इजरायली हमलों के जवाब में था।